हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में हाइड एप्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ऑन करना है। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी का। यहाँ से आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है हाइड एप्स का। आपको यहाँ पर हाइड एप्स पे क्लिक करना है। हाइड एप्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में ओल्ड पिन एंटर करना है। इस तरह से करने के बाद में यहाँ से आपको सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो भी आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग हाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में एक्सेस कोड सेट करना है। इस तरह से एक्सेस कोड सेट करने के बाद में आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में हाइड एप्स हो चुका है। अगर आप अपने फ़ोन में हाइड करी हुई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में एक्सेस कोड एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ से आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो भी आपने हाइड करी हुई होती है यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।